कैथल व गुड़गांव के स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर व कैथल से दो युवकों को गर्भ में पल रहे बच्चों की जांच के मामले में पकड़ा था, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें न्यायालय में पेश किए बिना ही पुलिस थाने से जमानत लेकर रिहा कर दिया। पीएनडीटी एक्ट से संबंधित एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिविल लाइन थाने में, जिसमें कि डॉक्टरों की टीम ने, मेडिकल टीम ने रेड करके और आरोपियों को, दो को गिरफ्तार करके और पुलिस के सामने पेश किया था। हमारी सिविल लाइन थाने की पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद में जो कि आईओ ने और जो उस टाइम पे एडिशनल एसएचओ जो कि थाने का काम देख रहे थे, उन्होंने इनको दोनों को पुलिस बेल पर अनिश कुमार के अंदर रिलीज कर दिया। जबकि ऐसे केसेज में जो कि पीएनडीटी एक्ट में कोई भी अगर ऐसा गिरोह पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ पहले से ही दिशा निर्देश इस तरीके से उच्च अधिकारियों से मिले हुए हैं कि ऐसे किसी को भी पुलिस बेल पर ना छोड़ा जाए, बल्कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रयास इस बात के किए जाए कि इनकी जमानत ना हो पाए। तो इस संबंध में जो इन्होंने लापरवाही करी थी, आईओ ने और एडिशनल एसएचओ ने, उन दोनों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी जारी कर दी गई है और मुलजिमों के खिलाफ जो भी उपयुक्त कार्रवाई बनती है वो भी उनके खिलाफ की जा रही है। पीएनडीटी एक्ट से संबंधित एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिविल लाइन थाने में, जिसमें कि डॉक्टरों की टीम ने, मेडिकल टीम ने रेड करके और आरोपियों को, दो को गिरफ्तार करके और पुलिस के सामने पेश किया था। हमारी सिविल लाइन थाने की पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद में जो कि आईओ ने और जो उस टाइम पे एडिशनल एसएचओ जो कि थाने का काम देख रहे थे, उन्होंने इनको दोनों को पुलिस बेल पर अनिश कुमार के अंदर रिलीज कर दिया। जबकि ऐसे केसेज में जो कि पीएनडीटी एक्ट में कोई भी अगर ऐसा गिरोह पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ पहले से ही दिशा निर्देश इस तरीके से उच्च अधिकारियों से मिले हुए हैं कि ऐसे किसी को भी पुलिस बेल पर ना छोड़ा जाए, बल्कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रयास इस बात के किए जाए कि इनकी जमानत ना हो पाए। तो इस संबंध में जो इन्होंने लापरवाही करी थी, आईओ ने और एडिशनल एसएचओ ने, उन दोनों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी जारी कर दी गई है और मुलजिमों के खिलाफ जो भी उपयुक्त कार्रवाई बनती है वो भी उनके खिलाफ की जा रही है।